नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग नीट पीजी 2023 में एक सफल अभ्यर्थी डॉक्टर आनंद, जो कि SNMMCH धनबाद के UG स्टूडेंट हैं, यहां से उन्होंने MBBS की पढ़ाई की है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SNMMCH धनबाद जो है ये झारखंड का एक पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज है, और अभी तक यहाँ जो है पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे में सारा जो है वर्क प्रेशर इंटर्न के ऊपर होता है, और काम करते हुए यहाँ तैयारी करना, और जिन कॉलेजों में पीजी स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा बच्चों को पहले से एक एक्सपोजर मिल जाता है कि कैसे क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो सब यहाँ लैकिंग है। कुछ ब्रांचेज में फैकल्टी की भी कमी है। इन सब को दरकिनार करते हुए डॉक्टर आनंद ने ऑल इंडिया रैंक 7229 अचीव किया है, और इस रैंक पर इन्हें आराम से एक अच्छा ब्रांच और मेडिकल कॉलेज इंडिया में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई आनंद आपकी इस उपलब्धि के लिए। आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स, टीचर, सबको काफ़ी काफ़ी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच बॉस। अच्छा, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैंने MBBS की पढ़ाई SNMMCH धनबाद से की करी है, और इंटर्नशिप मेरी तो जुलाई 2022 में कंप्लीट हुई थी। इसके बाद अगस्त से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी है, और बस 6 मंथ टाइम था हम लोगों के पास, तो उसी 6 मंथ में। आपके घर में आपके सिवा और कौन कौन है? मेरे पापा मम्मी हैं, मेरे हम लोग तीन भाई हैं, और दो मेरी सिस्टर है। और ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि यह आपका कौन सा प्रयास था नीट पीजी के लिए? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत अच्छा। तो आप अब ये बताइए कि नीट पीजी की तैयारी के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्योंकि बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी पसंद करते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और कुछ बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, तो आपने कौन सा मोड ऑफ प्रिपरेशन? मैंने सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन दोनों की मदद से तैयारी करी थी। अच्छा, आपकी तैयारी में आपका कोई फ्रेंड भी आपके साथ थे जिनके साथ आप तैयारी करते हो? हाँ, हम लोग एक फ्लैट में रहते थे, हम लोग तीन फ्रेंड साथ में तैयारी करते थे। तो फिर लेकिन लास्ट के मंथ में वो दो फ्रेंड का राजस्थान एमओ में हो गया, तो वो चले गए, तो फिर मैं अकेला पड़ गया था लास्ट के मंथ। लेकिन फिर लास्ट के मंथ में एक और मैंने फ्रेंड डॉक्टर सचिन सिंह के साथ मैंने तैयारी करी। तो यानी ग्रुप स्टडी का क्या फ़ायदा होता है या कुछ नुकसान भी है, इसके बारे में बताइए। ग्रुप स्टडी का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे सारे चीज़, मतलब अगर कुछ याद आपको नहीं है तो कुछ याद उसको है, तो अगर वो कुछ बात बोलेंगे तो उससे आपको ज़्यादा माइंड में बहुत देर तक आपको रिटेन करने का बहुत देर तक रिटेन रह जाता है वो। बिल्कुल, जब आप चीज़ें किसी से डिस्कस करते हैं तो कुछ बातें आपका कलीग बताता है, कुछ आप बताते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि आपने प्रोफेशनल MBBS स्टडी में टेस्ट बुक पढ़ा था, या शुरू से ही आप कोचिंग मटेरियल्स ही पढ़ते हैं? नहीं, मैंने शुरू से बस टेस्ट बुक पढ़ा था, और मैंने फाइनल ईयर में आके ऑनलाइन ऐप लिया, और फिर बस इससे पहले मैंने बस बुक्स ही पढ़ी थी इसके बाद। लेकिन ये 6 मंथ में बस मैंने ये ऑनलाइन ऐप के नोट्स और सेल्फ स्टडी करी। अच्छा, आप ये बताइए कि कितने घंटे लगभग डेली आप पढ़ते थे? 6 से 8 घंटे नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते थे, उससे ज़्यादा तो पढ़ाई होती नहीं थी। अच्छा, कितना रिवीजन चाहिए स्टडी मटेरियल्स का नीट पीजी? मिनिमम चार रिवीजन चाहिए ताकि। अच्छा, आप ये बताइए कि आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं नीट पीजी में, तो उसके लिए आपने कोई खास स्ट्रेटजी अपनाई थी? अलग से कभी कभी जो नोट्स में इमेजेस रहते थे उस पे ज़्यादा फोकस करते थे, और उसी पे मतलब जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते थे तो वो पहले मतलब जो भी थ्योरी थी उसके साथ साथ मैं फिगर को भी वहीं पे पूरा उस पे कंसंट्रेट करके फिगर को भी देखता था। क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन बस इमेज बेस्ड ही आता है बहुत सारा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपने कब से नीट पीजी के लिए सीरियसली तैयारी शुरू की? अगस्त 2022 से। मतलब आपको मोटा मोटी
6-7 महीने मिले ज्यादा टाइम तो नहीं था सीरियस प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इंटर्नशिप ही मेरी हमारी कंप्लीट हुई थी जून 2022 में। उसके बाद आपने सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर शुरू किया और ये इतना अच्छा रैंक सिक्योर किया इतना कम समय में, ये काबिले तारीफ है। अब आप एक चीज और बताइए कि क्या आप कोई ग्रैंड टेस्ट भी देते थे? हाँ, मैंने 3-4 ग्रैंड टेस्ट दी थी, ज़्यादा तो नहीं दे पाया था, 3-4 दी थी, लेकिन मेरे रैंक अच्छे नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैं उससे अपसेट नहीं होता हुआ और मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। मतलब आपने ग्रैंड टेस्ट से आपको कोई डीमोटिवेशन नहीं हुआ, उसको नहीं। आपने एक अपने मोटिवेशन के तौर पर यूज किया और उसमें जो भी कमियां, मैं उससे अपसेट नहीं होता था, मेरे स्कोर बहुत कम आते थे, लेकिन फिर भी मैं अपसेट नहीं हुआ उससे। तो ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभ्यर्थी उनके लिए काफी बड़ा मैसेज है कि ग्रैंड टेस्ट का स्कोर से आपको जो है डीमोटिवेट नहीं होना है और अपनी तैयारी जारी रखनी है और उस पर वर्क करना है। अच्छा, एक और सवाल है कि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम के दिन या एग्जाम के रात में जो है थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाता है, उसको आपने कैसे टेकल किया? ये तो ऑब्वियस है कि ये क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वो तो एंजाइटी तो आती ही है, लेकिन वही कि उस रात को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और मतलब पढ़ाई वढ़ाई जितनी करनी है वो आपने पहले कर चुकी है, उससे उस दिन एक रात में कुछ नहीं होता है, आप आराम से उस दिन गहरी नींद लीजिए और अच्छे से सुबह अच्छे से फ्रेश होकर एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे डॉक्टर आनंद जो कि SNMCH धनबाद से पढ़े हैं और इन्होंने काफ़ी जो है सीधी बात, नो बकवास वाली बात की है और कैसे तैयारी की जाए उसके बारे में आप सबों को जानकारी दी। मैं चाहूँगा कि आपके जो कलीग्स या जूनियर्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली सिलेबस बहुत ही वास्ट है, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बस आपको अपना जो भी नॉर्मल पेस है, आप जिस पेस से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उस पेस से आप कंटिन्यू कीजिए और कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना। फ्रस्ट्रेट हो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, इतना वास्ट सिलेबस है, तो आप कुछ देर के लिए ब्रेक ले लीजिए, अपने घर वालों से बात कर लीजिए, अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए, लेकिन फिर आप कुछ देर के बाद आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और फिर से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बात बताया कि इसमें इतना वास्ट सिलेबस होता है, इतना चीज़ें कवर करनी होती है और काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, तो इन सब से घबराना नहीं है, अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है और प्रयास करते रहना है। यू विल गेट योर वन डे एंड यू विल गेट योर रैंक वन डे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट PG। और मैं आपको फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा कि आपको अपने पसंद का जो है ब्रांच और कॉलेज मिले और आप इसी भांति आपके जूनियर्स का भी, हमको आपके कलीग्स का भी इंटरव्यू करने का मौका मिले, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।